जी, हमारे ऑनरेबल सीएम इतनी आसानी से अपनी फिलहाल की जो कुर्सी है वो छोड़ेंगे नहीं, जब तक कि ना इंडिया अलायंस में उनका एक श्योर शॉट या तो पीएम या तो कन्वेनर का पद उनका फाइनल हो। उन शर्तों पे बीजेपी उनको लेंगी वो भी देखने वाली बात है, लेकिन इस वक्त हमारे ऑनरेबल सीएम की जो स्थिति है उनके शर्त कहीं पे काम नहीं चलेगा। नीतीश जी का भागने का डर इंडिया अलायंस को इतना सता रहा है कि केजरीवाल सहित ममता बनर्जी बोलिए या फिर ठाकरे, सब लोगों ने अब चाहते हैं कि भाई नीतीश जी जो है वो संयोजक बने। अब नीतीश जी क्या चाहते हैं वो तो वही जाने, वो कहते हैं ना क्या जाने शिव के मन में क्या है, तो वही हमारे नीतीश कुमार जी का भी वही हाल है। अगर आप अपना दरवाज़ा अच्छे लोगों के लिए खोल के नहीं रखेंगे तो आपको लगेगा यही आपके पास बेस्ट है। तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में हम बिहारी भी कुछ ऐसे ही किए, नीतीश कुमार जी तक ही आके हम संतुष्ट हो गए। ओल्ड इज गोल्ड बट जो नया है वो डायमंड है, तो एक नया रास्ता भी खोल के रखना पड़ेगा। और नीतीश कुमार जी को हम हल्के में नहीं ले रहे हैं, नीतीश कुमार जी ऑनरेबल सीएम खुद ही अपने आप को हल्के में लेते हैं। और मेरे लिए पूरी लाइफ, मेरे लिए, मेरे आने वाले जनरेशन के लिए, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन हमारे ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार की राजनीति किस ओर जाने वाली है किसी को पता नहीं। सीएम नीतीश कुमार अपना पत्ता खोलने के लिए तैयार नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार के दिल और जहन में क्या चल रहा है। क्या सीएम नीतीश कुमार चचा भतीजा की जो सरकार महागठबंधन की बिहार में चल रही है उसे छोड़कर बीजेपी में जाएंगे, और अगर बीजेपी में जाते हैं तो चिराग पासवान का क्या होगा जो मोदी जी के लाडले हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ देवजानी मित्रा जी हैं, बात करते हैं हम इन्हीं से। मैम, कैसे देख रही हैं इस वक्त आप बिहार की राजनीति? सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार जी हमारे ऑनरेबल सीएम इतनी आसानी से अपनी फिलहाल की जो कुर्सी है वो छोड़ेंगे नहीं, जब तक कि ना इंडिया अलायंस में उनका एक श्योर शॉट या तो पीएम या तो कन्वेनर का पद उनका फाइनल हो। अगर वो बाई चांस नहीं होता तो उन्होंने एक दरवाज़ा डेफिनेटली खोल के रखा है और वो है एनडीए में वापसी का। लेकिन ये बात आपका ये भी है कि वो किन शर्तों पे बीजेपी उनको लेंगी वो भी देखने वाली बात है, लेकिन इस वक्त हमारे ऑनरेबल सीएम की जो स्थिति है उनके शर्त कहीं पे काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं उनकी पिछले कुछ दिनों के बर्ताव बोलिए, महिलाओं को लेके टिप्पणी बोलिए, मिसबिहेवियर बोलिए, जो भी बोलिए आप, जिस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं जनता इफेक्टेड हुई है, और इसी वजह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता बोलिए या बहुत बिहार के जनता भी उनसे बहुत खफा है और नाराज़ है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी अगर वापस आना चाहे तो भाई, कोई अगर आपके घर वापस आना चाहे, अब दरवाज़ा मुंह पे तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उनको दिया जाएगा जिसको कहते हैं डूज एंड डोंट्स, कि आप नहीं कर सकते। अब वो क्या शर्तें होंगे वो तो अमित शाह जी और हमारे ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया उन्हीं को पता है। समय का थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, चुनाव बहुत नज़दीक है। लेकिन साथ में ये भी है कि नीतीश जी का भागने का डर इंडिया अलायंस को इतना सता रहा है कि केजरीवाल सहित ममता बनर्जी बोलिए या फिर ठाकरे, सब लोगों ने अब चाहते हैं कि भाई नीतीश जी जो है वो संयोजक बने। अब नीतीश जी क्या चाहते हैं वो तो वही जाने, वो कहते हैं ना क्या जाने शिव के मन में क्या है, तो वही हमारे नीतीश कुमार जी का भी वही हाल है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी उनके सामने शर्त रखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भले बिहार में तीसरी पार्टी है लेकिन सरकार बनाने में अहम रोल हमेशा नीतीश कुमार की रहती है, चाहे वो महागठबंधन से हो या बीजेपी से हो, तो इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? नहीं, हम उनको हल्के में नहीं ले रहे हैं, हम उनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे। अगर आपको मेरे बातों से ऐसा लगता है तो बिल्कुल हम उनको हल्के में नहीं ले रहे, लेकिन हम उनको सीरियस भी नहीं ले रहे। हम उनको इसलिए सीरियस नहीं हो रहे क्योंकि 17 साल बहुत होता है युवा महिला पुरुष आपके जनरेशन, मेरा जनरेशन या आने वाले जनरेशन को ये देखते हुए कि जस्ट बिकॉज उनका नाम एक सुशासन बाबू रखा गया है बोल के वो बेस्ट है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बेस्ट सीएम अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है। अगर आप अपना दरवाज़ा अच्छे लोगों के लिए खोल के नहीं रखेंगे तो आपको लगेगा यही आपके पास बेस्ट है। तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में हम बिहारी भी कुछ ऐसे ही किए, नीतीश कुमार जी तक ही आके हम संतुष्ट हो जाते, अच्छा चलो वही हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन बिल्कुल नहीं। हम लोग एक पढ़े लिखे नौजवान स्किलफुल जो बिहार के डेवलपमेंट के बारे में सोचे वैसे लोगों को अगर हम लोग लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो देखने में नौजवान हो, वो काम से सोच से नौजवान वैसे भी लीडर अगर हम ढूंढेंगे तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में बहुत फर्क पड़ेगा। इट इज़ कॉल्ड दैट एक दरवाज़ा खोल के रखो कुछ ऐसे न्यू कमर के लिए जो बिहार के भले के बारे में सोच सके। ओल्ड इज गोल्ड बट जो नया है वो डायमंड है, तो एक नया रास्ता भी खोल के रखना पड़ेगा। और नीतीश कुमार जी को हम हल्के में नहीं ले रहे हैं, नीतीश कुमार जी ऑनरेबल सीएम खुद ही अपने आप को हल्के में लेते हैं, हल्की भाषणबाजी करते हैं, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, तो अगर आप अपना ही वेट नहीं रख पाएंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका फायदा उठाएंगे।
आपका कहना है कि बिहार की राजनीति में युवाओं को अब योगदान देना होगा? बिल्कुल देना चाहिए। युवा तो चिराग पासवान भी है, वो फिर से इंडिया को छोड़कर एनडीए में गए, कहीं ना कहीं वो एनडीए के हनुमान भी माने जाते हैं, मोदी जी के खासम खास भी हैं। ऐसे में जब नीतीश कुमार चले जाते हैं तो फिर चिराग का क्या होगा? उनके लिए दरवाजा बंद हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही कह चुके हैं कि हम नीतीश जी के साथ काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, युवाओं भी दो टाइप के होते हैं। एक युवा जो करवट, जो जिनको कोई मतलब ही नहीं है उनका पिताजी का नाम क्या है, जिनको कोई मतलब ही नहीं है वो किस बैकग्राउंड से आता है, जिनको कोई मतलब नहीं है कि वो चाय वाला है कि वो बर्तन बेचने वाला है, लेकिन वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मेरे लिए पूरी लाइफ, मेरे लिए, मेरे आने वाले जनरेशन के लिए, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन हमारे ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि हम भारत की छवि बदल के रहेंगे। तो ये होते हैं युवा। दूसरा एक ऐसा युवा होता है, पिताजी ने ये कहा, पिताजी ने वो कहा, पिताजी ने बोल दिया घर तोड़ दो तो मैंने घर तोड़ दिया, पिताजी ने कहा पत्नी को छोड़ दो तो मैंने पत्नी को छोड़ दिया, पिताजी ने बोला नौकरी छोड़ दो तो मैंने नौकरी छोड़ दिया, पिताजी ने बोला घर में जाके चूड़ी पहन के बैठ जाओ तो हम बैठ गए। सॉरी, वैसा युवा ना अपना भला कर सकता है, ना अपना परिवार का भला कर सकता है, ना भारतवर्ष का भला कर सकता है, और बिहार तो दूर की बात। आपके पास अच्छा लुक है, वो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपकी माता सुंदर थी, आपके पिताजी अच्छे थे बोल के आपका चेहरा मिला। आपके कर्म आपके लक्ष्य प्राप्ति का दिशा तय करता है। अनफॉर्चुनेटली चिराग पासवान जी में सारे गुण होते हुए, पिता का एक नाम, माँ का बहुत ज़्यादा प्यार, लोगों का प्यार, लेकिन वो उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते। ही डोंट वैल्यू पीपल, वो लोगों को वैल्यू नहीं करते, वो अपने आप को वैल्यू करते हैं। मैं ही कहते ना अहम ब्रह्मस्वामी, वो वही हमेशा करते हैं, और जो ऐसा सोच लेके चलेंगे वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और उनके दुख में बस एक ही दुख झलझलकता है, मेरे पिताजी के साथ ये हुआ, मेरे पिताजी के साथ वो हुआ, तो भैया आपके साथ आपने क्या किया? कब तक आप अपना पिता के नाम के साए के तले आप पनपते रहेंगे? कभी तो आप अपना भी तो कुछ दिखाएंगे ना आपको। अच्छा, एक बात बताइए, उनके पिताजी या माताजी को तो बिल्कुल मन होता होगा कि लोग हमें जाने कि भाई वो देखो चिराग पासवान की मम्मी जा रही है। हम लोग बचपन में यही ना बच्चों को सिखाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? इसीलिए चिराग पासवान का हश्र वही होगा जो इस टाइप के युवा पीढ़ी को होता है, जो किसी ना किसी के ऊपर अपनी नाकामयाबी का ब्लेम डालते हैं। मैं अगर आज कामयाब नहीं हूं, नहीं भाई मेरे साथ ऐसा सा घटना घटी, नो मैं कमजोर थी बोल के मैं नहीं कर पाई, मैं ये मानती हूँ। तो फिलहाल चिराग पासवान जी का मॉरल कमजोर है, वो कमजोर है, वो लोगों के भरोसे अपने आप को लीडर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी टू से, वो लीडर नहीं है, वो आज भी अभिनेता है। अरे नेता ऐसा हो कि जिनके चेहरे वेहरे में झुर्रियां आ जाए, दौड़ रहे हैं धूप में, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो 24 घंटे अपने हाथ से, अपने स्किन से, अपने आप से उनको इतना प्यार है, तो जनता से कब प्यार करेंगे? काम कर रहे हैं। देखिए, जो कर्मठ होता है ना, उनको आपको और मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, वो कर्मठ है। आप भी दिल के हाथ रख पे जानते हैं, हम भी, जनता भी जानती है, चिराग पासवान इज नॉट फिट फॉर बिहार की राजनीति, ही इज ओनली फिट फॉर, वो सीएम का किरदार निभा सकते, बोलिए तो कहाँ, मूवीज में रोल प्ले कर सकते हैं, वो रोल प्ले के लिए बेटर है। आप जर्नलिज्म करते हैं विकास, आपके जगह पे कोई और आके नहीं, आप अपना रोल खुद प्ले करते हैं, मैं अपना रोल, ही कैनॉट प्ले द रोल, ही कैन प्ले द रोल इन टीवी, ही कैन प्ले द रोल इन मूवी, तो जो मूवी के लिए बना है वो रियल लाइफ में उनका क्या काम? लेकिन बिहार की जो युवा पीढ़ी है वो तो कह रही है कि नेक्स्ट सीएम ऑफ द बिहार कैसे चिराग पासवान। अब मैं एकदम ठेठ भाषा में बोलूं, कैसे, जिनके पास एक भी एमपी नहीं है, एक भी संसद नहीं, कैसे तो कर ले? थे ना, तोड़ने का काम तो आप ही कोई देखिए ना, वही बात, घर तोड़ने का काम कोई नहीं करता। आपके घर में ऐसा होल्स होते हैं, आपने आप तोड़ जाते। जिस घर में चाचा का सम्मान नहीं हो, जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं हो, उस घर में कैसे बरकत हो, मेरा मुझे बताइए। जिस घर में आप क्या कहते हैं अपने लोगों का सम्मान नहीं कर पाए, जिस घर में आप अपनी बड़ी माँ का सम्मान नहीं कर पाए, अभी आप बहुत कुछ करेंगे, अभी आप गले मिलेंगे, अभी आप बहुत फोटो खिंचवाएंगे। इतना फोटो खिंचवाते क्यों हैं? मोदी जी अपना फोटो की कितना डालते हैं, लोग डालते रहते हैं, ये तो अपना ही प्रोपागेंडा खुद करते रहते हैं। आज इनसे मिले, माँ के साथ फोटो, इसके साथ फोटो, तो ये सब समझ में आता है, जनता बेवकूफ नहीं। और बिहार की यूथ, राजपाल यादव भी आएंगे तो भी उतना खुश होंगे, मनोज तिवारी जी आएंगे तो भी उतना खुश होंगे, अक्षरा सिंह आएंगे तो भी उतना खुश होंगे, चिराग पासवान आएंगे तो भी खुश होंगे। मैं एग्जांपल ऐसे लोगों का दे रही हूँ जो हिट रह चुके हैं कुछ मूवीज में,
मनोज तिवारी जी आज भी मूवीज करते हैं, रवि किशन जी भी करते हैं, राजपाल यादव भी करते हैं, अक्षरा सिंह तो एल्बम ही लॉन्च करते रहती हैं, चिराग पासवान भी उन्हीं कैटेगरी में अपने आप को सोचते हैं। देखिए उनके लिए कभी पॉलिटिक्स कभी जुनून था ही नहीं। मैं वहां पे फेल हुई तो मैं यहाँ पे आई, इसको कभी नहीं कहते कि इट्स अ प्लान ऑफ गॉड, ये उनका करियर बचाने का ऑप्शन है। तो जिनके लिए करियर बचाने के लिए पॉलिटिक्स वो ज्वाइन करे, वो अपने आप को पहले परोसे, ठीक करे। हम कहाँ मना करें कि चिराग पासवान में दम नहीं है, लेकिन अभी नहीं, 2030 में 2035 में पूरी उम्र पड़ी है। अभी एज ही क्या है उनका, 40 ईयर्स ही होगा उनका एज, ज़्यादा एज भी नहीं है। आगे आए 45 साल में आए, 50 साल में आए, 55 में आए, कौन उनको रोका। लेकिन पहले आप सीख लो, पहले लर्न करो, फिर लोगों को अर्निंग सिखाओ। आपको खुद नहीं आता, आप तो खुद ही सिल्वर स्पून बॉर्न है। बहुत सारे लोग सिल्वर स्पून लेके बॉर्न होने के बाद भी काम करते हैं, लेकिन वो बॉर्न होने के बाद भी वो दिल्ली जाके बिहारी फर्स करते हैं और बिहार आके नीतीश कुमार जी की ओर उलझुल जुलूल बात करते हैं। इसके अलावा उनका काम ही क्या है। और कभी कभी उनको अगर समय मिल जाता है तो इधर पार्टी उधर पार्टी में जाके अपने अपने आप को सेलिब्रिटी गेस्ट हिसाब से वो जाते हैं और अपना फोटो खिंचवाते हैं। सो दिस इज नॉट लाइफ, इसको नहीं कहते। चिराग पासवान के गुपचुप तरीके से जो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक चल रहा है अंदर खाने, वो किस ओर संकेत कर रहा है। देखिए उनका शुरू से एक आदत है, ही नेवर ट्रस्टेड हिज गट्स। आपको अपना गट्स के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, ये नहीं तो क्या, इसको कहते हैं प्लान ए। उनके लाइफ में इतने सारे प्लान बी है कि प्लान ए तो फेल ही है एक तरफ। और गले, मैंने पहले ही कहा था कि जब ऑनरेबल पीएम के साथ वो गले मिल रहे थे तो ऑनरेबल पीएम ने उनको कान में बोला था, बेटा गला मिल रहे हो, गला काटने का काम मत करना। मैंने बहुत पहले बोला था, आप मेरा पुराना कोई भी न्यूज उठा के देख लीजिएगा, एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड, जो मैंने बोला था। तो अभी वो वही काम कर रहे हैं, वो गला काटने का काम पहले भी किए थे राजस्थान और एक जगह पे, जब बीजेपी अपना लड़ रहे थे तो अपना उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया था लेकिन वो हार गए थे। तो वो नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है विकास जी, वो आज भी वही है। और इंडिया गठबंधन में वो जा रहे क्योंकि उनको डर है कि ऑनरेबल सीएम अगर वापस आ जाएंगे बिहार के तो वो कहीं के लिए, क्योंकि हमेशा उन्होंने उनके खिलाफ ही बोला है। अभी आएंगे तो उनका तो ऐसे ही फजीहत होगा। आप इंडिया अलायंस में तेजस्वी प्रसाद यादव का होते हुए उनको सीएम का चेहरा, आपको नहीं लगता है थोड़ा ज्यादा ओवर एम्बिशन है उनमें? भाई है तो आपको पता है ना, आपको पता है ना पूरे दुनिया गवाह है कि भाई भाई का नहीं होता है पॉलिटिक्स में। भाई जो अपना सगा भाई तेज प्रताप जी को एक किनारे करके रखते हैं, वो चिराग पासवान के लिए क्यों सोचेगा, मुझे बताइए आप क्यों सोचेगा। एंड मोर ओवर तेजस्वी प्रसाद जी इज अ वेरी श्रूड पर्सन, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, उनकी पत्नी पढ़े लिखी है, उन्होंने दुनिया देखी है। वो इतना आसानी से भाई तो क्या, अपने साये के लिए भी वो अपना सपना नहीं कुर्बान करेंगे, ये आप लिख लीजिए। एंड मोर ओवर लालू जी कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटे के सिवा कोई और बच्चा आके उस जगह पे बैठे, नो नेवर अंटिल तेज प्रताप जी का, अगर मान लीजिए जो सॉरी आपके तेजस्वी प्रताप जी का जो अभी आपका जो जेल वगैरह की बातचीत चल रही है, अगर वो अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ये साल हो ना जाए तब भी फिर नीतीश कुमार जी कहाँ जाएंगे। नीतीश कुमार जी सीएम की कुर्सी तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको पीएम का कैंडिडेट घोषित ना करें, और पीएम का कैंडिडेट तब तक लालू जी घोषित नहीं करेंगे जब तक आप तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम ना बोलो, और दोनों ही आपके असंभव है। तो आप ही देखिए कितना मजेदार खेल चल रहा है। इस बीच चिराग पासवान जी का किरदार, चिराग पासवान जी का भूमिका मुझे नहीं लगता है कि बिहार के जनता के लिए उतना इंपॉर्टेंट है। चिराग पासवान जी वंस अपॉन अ टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, बट आप वो नहीं प्ले कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज ओन डेट। आप रोज किसी को धमकाते रहिएगा, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमसे जाओ भाई निकल लो। गॉड ऑलवेज कहते हैं ना कि भगवान दिन में एक बार तथास्तु बोलते हैं, तो हो गया उनका तथास्तु। उन्होंने अपने हाथ से अपने पॉलिटिकल करियर को तथास्तु करने का काम वो कर रहे हैं जो इधर उधर हुलुक हुलुक कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हुलुक हुलुक जो करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, एक जगह टिके रहो ना भाई। आपके मंत्री जी तो बहुत कुछ बोले चिराग पासवान के बारे में, सड़क का जानवर है जो इधर उधर जाता ही नहीं। ऐसा नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बोला है कि उनके पिताजी कहाँ करते थे, हमारे संस्थापक श्री रामविलास पासवान जी कहाँ करते थे कि जो आदमी या जो जानवर रोड पे चलता है और वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि हम दाया जाएं कि बाया जाएं, क्या होता है उनके साथ, गाड़ी आके चल देता है। चिराग पासवान जी भी तो वही कर रहे हैं, कभी एनडीए कभी इंडिया, कभी एनडीए कभी इंडिया, इंडिया एनडीए, इंडिया एनडीए, इंडिया एनडीए, चल क्या रहा है भाई, एक जगह टिके रहो ना।
भगवान भी उसी को प्रसाद देता है जो एक जगह भक्ति दिखाता है। आज हम महादेव का पूजा कर रहे, कल हम बोले नहीं नहीं महादेव अच्छा नहीं, हमको विष्णु का करना चाहिए। अब सब भगवान को सम्मान करो, लेकिन दिल में बसेगा एक ही, उनका दिल में मोदी जी बसते ही नहीं है। इट्स ऑल फेक। जो अपने घर का नहीं हो सका, जो अपने चाचा का नहीं हो सका, जो अपने पिताजी का नहीं हो सका, वो आपका और मेरा क्या होगा। बिहार तो दूर की बात, बिहार की मिट्टी में उन्होंने पला भी नहीं, बिहार की खुशबू भी उनको नहीं पता। जितना बिहार के बारे में मुझे नॉलेज है, मैं ये चैलेंज कर रही हूँ, उतना नॉलेज चिराग पासवान जी को भी नहीं होगा। मुझे उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, उनके से मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन साथ में ये भी सीखा है कि गलत को गलत बोलना सीखो और सही को सही बोलना सीखो, और मैं उन्हीं के कहने के नक्शे कदम पर मैं चल रही हूँ। आखिरी सवाल मैम जी, जब जब चुनाव आता है, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो, तब तक केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है, और इस बार भी अभी वही कर रही है, ईडी और सीबीआई को आगे कर दी है। तमाम इंडिया के बड़े जो नेता है गठबंधन के, उनके घर पर ईडी और सीबीआई जा रहे हैं, लगातार छापेमारी चल रही है। अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, झारखंड की बात कर ले, आखिरकार ऐसा क्या, क्योंकि सबसे बड़ी बात ईडी सीबीआई किसी की अपने घर की संपत्ति नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रॉपर एजेंसी है और वो दूरदृष्टि सबके ऊपर रखता है। मैं तो मैंने मानूंगी कि भाई वो लोग कितने लकी है जो इतने पैसे डुबा के रखें, इतने पैसे जमा के रखें कि ईडी सीबीआई जाते हैं। एक जमाने में बचपन में सुना करते थे भाई उनके घर में सीबीआई का रेड हुआ, मतलब वो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन अब राजनीति में आने के बाद पता चलता है कि जिनके घर में सीबी और ईडी जाता है वो दोगला होता है, वो जनता का पैसा मार के बैठता है। तो हम लोग जनता का पैसा नहीं मारते हैं, और इंडिया अलायंस में जो घमंडिया गठबंधन है उसके बारे में ऑनरेबल पीएम ने पहले ही कहा है। आप ममता बनर्जी के भी कार्यकाल में देखिए ना, पार्थो चटर्जी, अनुब्रत मंडल, मोहा मैत्रो, कौन से दूध के धुले हुए निकले भाई, मुझे बताइए। सब तो अभी जेल जा रहे हैं, ममता इनका तो आपके सांसद भी ठीक है गया, ठीक है, और ईडी और सीबीआई अपना काम कर रहा है, लेकिन उन्हें ये काम चुनाव के टाइम पर ही, चुनाव के टाइम पर नहीं, ऐसा नहीं है। आपके तेजस्वी प्रसाद जी का काम बहुत पहले से ही चल रहा था, मोहा मैत्रो जी का प्रोसेस हुआ तो आपको पता चला, पार्थो चटर्जी और अनुब्रत मंडल का तो कब का हो चुका है, मनीष सिसोदिया जो आपके उनके जो पार्टनर सिसोदिया, उनका तो अभी आपका नहीं हुआ, उनका तो कब का हुआ था। आप भाई जिस ढंग से हमारी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां मेरे और आपके हाथ में तो नहीं है, प्रोसेस जैसे बोलेगा वैसे होगा, तो वैसे हो रहा है। अब लोगों को अगर लगे कि अचानक से इलेक्शन से पहले, तो ये उनकी गलती है, क्योंकि हमेशा जो गलत करता है उसको लगता है कि हाँ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन नहीं, कोई आपके पीछे नहीं पड़ा, आपके कर्म ही ऐसे कि लोग आपके पीछे पड़े। हाँ ना, मैं सिर्फ जवाब दे दीजिएगा, सीबीआई और ईडीआई का गलत दुरुपयोग नहीं कर रही है केंद्र सरकार? नहीं, एकदम भी नहीं, कतई भी नहीं, कभी भी नहीं। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे मुख्य प्रवक्ता है, इनका साफ तौर पे कहना है कि ईडी और सीबीआई जिस तरीके से इस वक्त तमाम बड़े नेताओं पर अपना शिकंजा कस रही है, जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं का बयान निकलकर सामने आ रहा है कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है, और यही कारण है कि एक बार फिर से वो ईडी और सीबीआई को आगे कर दिया है, ताकि 2024 में जो डर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वो केंद्र से हट जाएंगे, वो डर खत्म हो जाए। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।